भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माता जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है। उनके खिलाफ किसी जज ने किसी दो साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या अडानी का मुद्दा उठाया, मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ। जो कि जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, एक साल से स्टे था, अडानी ने जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उसको ये सरकार अडानी के जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद। अगला कदम क्या होगा मैम आपका? मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं, लड़ते नहीं है, लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद सड़कों पर उतरी कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद एक और जहां कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछा, तो वहीं देखने को मिला कि खुद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक सवाल का जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ना किसी से माफी मांगी थी और ना किसी से माफी मांगेंगे, क्योंकि गलत किया नहीं है। अगर सरकार से सवाल पूछना गलत है तो वो इस तरीके के सवाल पूछते रहेंगे, और वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्यों अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच नहीं हो रही। वहीं भाई को फंसता देख खुद प्रियंका गांधी सड़कों पर उतर गई और उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने मोदी सरकार को आज जो कुछ करना है कर ले, लेकिन न गांधी परिवार कभी डरा था और न किसी के आगे झुकेगा। और खुद संसद में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने जब गांधी परिवार और नेहरू परिवार पर कीचड़ उछाला, तब तो गांधी परिवार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई और आज सवाल पूछने पर संसद की सदस्यता खत्म करवा दी गई। लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी की संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। जी हाँ, खबर ये भी सामने आई है कि राहुल गांधी की संपत्ति पर खुलासा होने के साथ ही साथ कांग्रेस के जो मुख्यालय है वहां पर बुलडोजर ने कुछ हिस्से को तोड़ दिया है। तो इस तरीके से कांग्रेस को डराने का काम किया जा रहा है। कितनी संपत्ति के मालिक है राहुल गांधी और क्या अब उनकी संपत्ति भी जब्त होने वाली है, क्योंकि संसद की सदस्यता चली गई और ईडी सीबीआई और तमाम सरकारी एजेंसियों को अब राहुल गांधी के पीछे लगा दिया गया है। चलिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कितनी संपत्ति के मालिक हैं राहुल गांधी और कैसे अब मोदी सरकार राहुल के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। 2019 के एफिडेविट के मुताबिक राहुल के पास 15 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति है। 2014 में उनकी संपत्ति 9.4 करोड़ थी। राहुल के ऊपर 72 लाख रुपए का लोन भी है और उनके पास खुद की कार भी नहीं है। राहुल की चल संपत्ति 5 करोड़ 80 लाख 58,799 रुपए और अचल संपत्ति 10 करोड़ 8 लाख 18,284 रुपए है। उनके पास 40,000 कैश है, वहीं 17,93,000 रुपए अलग अलग बैंकों में जमा है। उन्होंने 5,19,00,000 रुपए बॉन्ड शेयर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं। दिल्ली के सुल्तानपुर गांव में विरासत में मिले खेत में राहुल का हिस्सा है। उनके पास 333.3 ग्राम सोना है। 2017-18 में उनकी कुल इनकम 1,11,85,570 रही। सांसद के तौर पर मिलने वाली सैलरी है राहुल गांधी की इनकम सोर्स बताई जाती है। उनके पास रॉयल्टी इनकम है, रेंटल इनकम, बॉन्ड से मिलने वाला इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड से मिलने वाला डिविडेंड्स और कैपिटल गेन है।
ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि राहुल गांधी कितनी संपत्ति के मालिक हैं। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि राहुल गांधी का ये कह रहा है कि जो कुछ छीनना है सब कुछ छीन लो, लेकिन उनकी आवाज़ को नहीं छीना जा सकता, उनके हौसले को नहीं तोड़ा जा सकता। गांधी परिवार से जो कुछ लेना है ले जाए, लेकिन हम सरकार से सवाल पूछते रहेंगे और जनता के मुद्दे को उठाते रहेंगे। और ऐसे में सीधे तौर पर मेरा सवाल दर्शकों से है, क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करना भारत के लोकतंत्र में ठीक है? क्या 2014 के बाद राजतंत्र की व्यवस्था मोदी सरकार ने कायम नहीं करती? एक सवाल ये भी है कि अडानी के मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी के सवाल से घबराए मोदी सरकार ने क्या जानबूझकर राहुल की संसद सदस्यता खत्म कर दी है? दर्शकों क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।